नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए जोरदार तैयारियां की हैं। ये यात्रा 12 राज्यों से होते हुए जाएगी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होगी। बुधवार सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर पहुंचे और अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। बता दें, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचे इसके लिए एक वेबसाइट bharatjodoyatra.in को भी लॉन्च किया है। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा 3,570 किलोमीटर लंबी है और 5 महीने तक चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के नेता किसी भी होटल में नहीं रुकेंगे और कंटेनर्स में सोएंगे। ऐसे 60 कंटेनर्स का इंतजाम किया गया है। कुछ कंटेनर्स में सोने के लिए बिस्तर, टॉयलेट और एसी की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा वजहों से राहुल गांधी एक अलग कंटेनर में सोएंगे जबकि बाकी कांग्रेस नेता दूसरे कंटेनर्स में। यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता हर दिन 6 से 7 घंटे तक पदयात्रा करेंगे और 22 से 23 किलोमीटर चलेंगे। कांग्रेस के 119 नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। इन नेताओं का चयन साक्षात्कार के बाद किया गया है। 119 यात्रियों में 28 महिलाएं हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने पिता को नमन करते हुए अपना फोटो ट्वीट किया और लिखा कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन मैं अपने देश को नहीं खोऊंगा। राहुल ने लिखा, प्यार नफरत को जीत लेगा, आशा डर को हरा देगी, हम सब मिलकर मात देंगे। सिविल सोसाइटी यानी जन आंदोलनों के 204 सदस्यों ने देश की जनता से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा बुधवार 7 सितंबर से शुरू होने जा रही है। सिविल सोसाइटी के लोगों का कहना है कि भारत के लोकतंत्र को खतरा है, भारत के विचार को खतरा है, इसलिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण समय में निकल रही है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी अपील में कहा कि हमारे गणतंत्र के मूल्यों पर पहले कभी भी इतना जघन्य हमला नहीं हुआ जितना कि हाल के दिनों में हुआ है। इससे पहले कभी भी समुदायों में नफरत, विभाजन और किसी को हाशिए पर ढकेलने की कोशिशें इतनी बेरहमी से नहीं की गई। इससे पहले कभी भी किसानों, मजदूरों, दलितों और आदिवासियों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस तरह के गंभीर राष्ट्रीय संकट का सामना नहीं करना पड़ा। ये निर्णायक क्षण है, हमें फैसला लेना है। इस अपील पर 204 हस्ताक्षर करने वालों में स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन, ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के अनिल सदगोपाल, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, थिएटर से जुड़ी अनुराधा कपूर, प्रख्यात पत्रकार मृणाल पांडे, पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी, पूर्व IAS अधिकारी अभिजीत सेनगुप्ता और सुजाता राव शामिल हैं। केंद्र सरकार ने देश में पैदा हो रही रसोई गैस के दाम तय करने के फॉर्मूले की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए उसने एक पैनल बनाया है। ये गैस ज़्यादातर ONGC और रिलायंस उत्पादित करते हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य कीट पारिक की अध्यक्षता में इस कमेटी को सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन इस समिति जो रिपोर्ट देगी और उस पर जो दाम तय होगा उसका असर जून 2023 से दिखेगा। बहुत साफ है कि 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले रसोई गैस के दाम कम करने की कवायद हो सकती है, लेकिन क्या सरकार ने यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस घोषणा के बाद उठाया है जिसमें उन्होंने अहमदाबाद रैली में वादा किया कि कांग्रेस सरकार आने पर गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा। ये दावा कांग्रेसियों का है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर BJP की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए। सरमा ने कहा कि कांग्रेस के रहते हुए भारत का बंटवारा 1947 में हुआ, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो राहुल गांधी को यह पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने का क्या फ़ायदा, भारत एकजुट है, एक है। मैं राहुल गांधी को सुझाव देना चाहूँगा कि भारत जोड़ो कार्यक्रम को पाकिस्तान लेकर जाएँ। भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। जयराम रमेश ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री बचकाने और अपरिपक्व हैं, वो अपने नए आकाओं के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो असम के CM के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस में 20 से 25 साल रहने के बाद भी हर दिन हेमंत शर्मा को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है, इसलिए वो ऐसे बयान देते रहते हैं। हालांकि इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने भी इसके जवाब में जयराम रमेश पर निशाना साधा। शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहले तो ये बताइए कि जयराम रमेश कौन है, क्या वे असम में रहते हैं, वो कौन है, मुझे कुछ नहीं पता, कांग्रेस के एक नेता का नाम कौन याद करेगा।
मैं इस नाम वाले व्यक्ति के कभी भी करीब नहीं रहा जब मैं कांग्रेस में था। मैं नहीं जानता वो कौन है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हरियाणा के हिसार में मेक इंडिया नंबर वन मिशन को लॉन्च किया। हिसार केजरीवाल का जन्म स्थान भी है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास सबसे अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन सिस्टम खराब है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के भरोसे हम देश को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि अब हमें भारत को नंबर एक बनाना है और हर भारतीय को जोड़ना है। इस मौके पर केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि जहां तक SYL के मुद्दे की बात है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों राज्यों में पानी की कमी के मुद्दे का समाधान करे। SYL के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सालों से विवाद चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पेंशन योजना से कर्मचारी बहुत दुखी और गुस्से में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमारी नीयत साफ है तो देश को नंबर एक बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी और AIMM BJP की बी टीम है। दिग्विजय सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की बातें जोर शोर से की जा रही हैं। बताना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। वो विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने News24 से बातचीत में नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी नेताओं से मुलाकात पर कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को BJP के बी टीम बताया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस व्यक्ति में हिम्मत है, क्षमता है और विश्वास है, वो भारत जोड़ो यात्रा जैसी लंबी यात्रा को पूरा कर सकता है। राजस्थान की गहलोत सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार को छापेमारी की है। ये छापेमारी राजस्थान मध्यान्ह भोजन कथित घोटाला मामले में की जा रही है। इसके अलावा भी आयकर विभाग की ओर से देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। राजेंद्र यादव की कोटपुतली में स्थित एक फैक्ट्री के अलावा उत्तराखंड में भी उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यादव कोटपुतली सीट से ही विधायक हैं। बता दें, मंगलवार को केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के मामले में जांच एजेंसी ED ने दिल्ली NCR व कई शहरों में 35 जगहों पर छापेमारी की थी। CBI ने बुधवार को ममता बनर्जी सरकार के कानून मंत्री मलय घटक के घर पर भी छापेमारी की है। ये छापेमारी कथित कोयला घोटाले के मामले में हुई है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में मलय घटक के 3 घरों पर और कोलकाता के लेक गार्डन इलाके में स्थित एक घर पर CBI के अफसर पहुंचे। इसके अलावा भी CBI ने कोलकाता में कोयला घोटाला मामले में कई जगहों पर दबिश दी है। बता दें, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी से भी जांच एजेंसी ED कोयला घोटाले के मामले में पूछताछ कर रही है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज दिल्ली के LGVK सक्सेना की ओर से भेजे गए मानहानि के नोटिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। संजय सिंह ने नोटिस फाड़ते हुए कहा कि किसी चोर और भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूँ। ऐसे नोटिस को मैं 10 बार फाड़ के फेंकता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार और लूट करोगे और इन नोटिस के अंदर वो सब दबा लोगे, ऐसा संभव नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। इसके साथ ही संजय सिंह ने LG सक्सेना पर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि आप पूछेंगे कि LGVK सक्सेना ने कैश पेमेंट में कितने का हेरफेर किया। संजय सिंह ने कहा कि 4,55,000 में से 1,93,598 एम्प्लॉयज़ का ही खाता खुला था, बाकी 2.5 लाख से अधिक घोस्ट एम्प्लॉयड थे जिन्हें हर महीने कैश पेमेंट जाती रही। अरबों खरबों का घोटाला होता रहा। संजय सिंह ने कहा कि 2016 के पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर कोई पेमेंट कैश से नहीं होगा के बावजूद 2017 में VK सक्सेना की अध्यक्षता वाले खादी कमीशन के डायरेक्टर ने कैश पेमेंट को 2017 तक जारी रखा। खादी के सदस्य राजेंद्र प्रताप गुप्ता ने भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने बुधवार को कहा है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की दावेदारी पर चुनाव आयोग को कार्यवाही जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इस पर 27 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। बता दें, 5 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, MR शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में विभिन्न कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली दोनों समूहों के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
सुनवाई की शुरुआत में शिंदे गुट की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग को निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता है। इस दौरान वरिष्ठ वकील ने स्थानीय निकाय चुनावों की तात्कालिकता का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन सीजे एनवी रमना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। वहीं उद्धव गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को 3 अगस्त की सुनवाई का ध्यान दिलाया, जब कोर्ट ने चुनाव आयोग से पार्टी के सिंबल पर कोई कार्रवाई न करने का आग्रह किया था। सिब्बल ने चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला होने तक सिंबल पर अपनी कार्रवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उद्धव गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि अयोग्य सदस्य चुनाव आयोग से संपर्क नहीं कर सकते हैं। अंत में बेंच ने कहा कि वो आज फैसला नहीं करेंगे और वकीलों से 27 सितंबर के लिए अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक मंच पर आने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने 25 सितंबर को एक रैली रखी है। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। यह रैली फतेहाबाद में होगी। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती भी है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने रैली में एनसीपी मुखिया शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को आमंत्रित किया है। चौटाला ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी रैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। अभय चौटाला ने कहा, ये रैली न सिर्फ विपक्षी एकता का प्रतीक होगी बल्कि बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी को भी जाहिर करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।